खबर रीवा जिले से है, जहां मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश आरसी वांश ने विशेष न्यायाधीश सीएम उपाध्याय द्वारा जिला न्यायालय परिसर में दीप प्रज्वलन कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह एवं समझौते के तहत प्रकरण निराकरण किए गए। लोक अदालत में 6,12,54,260 रुपए के 1994 अवार्ड पारित किए गए। लिटिगेशन के 999 प्रकरण का निराकरण किया गया। इसमें 1,40,61,702 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। 995 लंबित प्रकरण का निराकरण कर 4,71,92,558 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इस अवसर पर तृप्ति शर्मा प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, द्वितीय जिला न्यायाधीश विक्रम सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अहमद रजा, तृतीय जिला न्यायाधीश रमेश रंजन चौबे, नवम जिला न्यायाधीश देवेंद्र सिंह पाल, तेरहवें जिला न्यायाधीश केशव सिंह, सप्तम जिला न्यायाधीश आनंद गौतम, अष्टम जिला न्यायाधीश प्रवीण पटेल, ग्यारहवें जिला न्यायाधीश दिलीप सिंह, पंचम जिला न्यायाधीश विवेकानंद त्रिवेदी, षष्ठम जिला न्यायाधीश आशीष ताम्रकार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रूप सिंह कनेल, वरिष्ठ खंड न्यायाधीश प्रीति सिखा, अग्निहोत्री देवदत्त, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश अक्षत तयाल, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश पद्मिनी सिंह, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश सचिन साहू, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश ललित कुमार मैडा, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश अंजलि अग्रवाल, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश अमित सिंह ध्रुवे, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश आदिति अग्रवाल, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश मीनाक्षी रावत, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश चंदना झारिया, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश जिला रजिस्ट्रार संजीव रहंगडाले, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश मीनल गजवीर, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश अजय कुमार नागेश, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता भोरम सुदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश श्रम न्यायालय तथागत याग्निक न्यायाधीश औद्योगिक न्यायालय आत्माराम खेड़िया, स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अखंड प्रताप सिंह, अधिवक्ता संघ रीवा के सचिव रघुवंश प्रताप सिंह, शिवेंद्र प्रताप सिंह, सुनील अग्रवाल, राजेंद्र तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा, मध्यांचल ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर सुशील अवस्थी, न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी गण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी कृष्ण मित्र तिवारी, नरेंद्र कुमार शर्मा, चंद्रकांत चतुर्वेदी, राम नरेश कुशवाहा, योगिता चतुर्वेदी, रूबी तिवारी, राजकुमार कुशवाहा आदि उपस्थित थे। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय मिश्रा ने बताया कि 250 दंडिक प्रकरण का निराकरण कर 3,00,000 रुपए का समझौता राशि, 109 चेक बाउंस के प्रकरण में 1,84,87,582 रुपए के, 122 मोटर क्लेम प्रकरण में 1,87,33,000 रुपए के तथा 57 सिविल प्रकरण के निराकरण में 1,52,400 रुपए की समझौता राशि पारित की गई। पारिवारिक विवाद के 26 प्रकरणों का निराकरण किया गया। उन्होंने बताया कि 363 विद्युत के लंबित प्रकरणों में 62,56,452 रुपए, श्रम के 8 प्रकरणों में 15,35,480 रुपए, 57 अन्य प्रकरण के निराकरण में 17,27,644, विद्युत के प्रीलिटिगेशन के 222 प्रकरणों में 20,34,050, बैंक प्रीलिटिगेशन के 259 प्रकरण में, जल कर के प्रीलिटिगेशन के 506 प्रकरणों में 10,52,57 तथा 11 अन्य प्रीलिटिगेशन के प्रकरण में 4,05,232 रुपए के समझौता राशि दिलाई गई। हमारा नाम कोकिला प्रसाद पांडे है। क्या मामला है बताइए? आज लोक अदालत है, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा यहाँ चार्ज किए हैं और उसके लिए बुलाए हैं कि तुम्हारा बिल बकाया है, चक्की का 3 HP चक्की का बिल बकाया है, जबकि इसके लिए एक बार और लिख के दिए थे, जिसके लिए हम पूरे लाइन मैनों से रिपोर्टिंग करवा करके, कभी चक्की हमारे घर में नहीं थी, इसके बावजूद वो समझौता हो चुका था। अब हमारे पास कागज़ नहीं है, वो कागज़ सब कुछ हो चुका, पूरा यहाँ से केस ख़त्म हो चुका, अब फिर से यहाँ से बिल शायद है 16,00,000। अब नोटिस में जाऊँ कुछ है अबे नहीं देख पाना। कहाँ के हैं अपना? हम ग्राम बभौरी के। अच्छा, हाँ, एमपी वाले भेजे नहीं। अच्छा, ये बताइए लोक अदालत में समझौता की जाते जी, तो अपना अपना पक्ष रखें तो पक्ष सुनागा का कहागा? अब तो मैं उनठे नहीं जब गए तो उनठे कहन कि हम नहीं जानता है, जा तू वहाँ देखा जाए जहाँ थे वो बाबू लोग बैठे मैं। अच्छा,
आगे कार्यवाही के लाने अपना का आश्वासन दिन गए? हम कार्यवाही के खेतर अभी जाके पूछी लागन की को करिया कार्यवाही का करिया। हम एक खातिर मुकदमा लड़बे और उ रिपोर्टिंग ढूंढब। हम लोक अदालत ऐसे रखी जाती कि ताकि है जो उन्हें प्रार्थी अपन यहाँ जे को सुने वाले हो हम बराबर सुने का तैयार हैं, ये अपन सुनाने का तैयार हैं। बात रखे ना अपना कहाँ ठिया रखे कही चक्की अपना के रही कि नहीं कबहू नहीं रही। वह हद प्यासी बैठ लागे करे पूरा हुआ वो कल ही नहीं के फोटो खींच ले पूरी रिपोर्टिंग करवा के पूरी जाँच करवा के इन्हें अब वह कहीं नहीं। क्या नाम है अपना? हमारा नाम कोकिला प्रसाद पांडे है। घर कहाँ है? घर बम्हौरी माँ। कौन गाँव? बम्हौरी बम्हौरी तहसील तहसील हुजूर जिला रीवा। किस तरीके से आप इसे देखते हो, कितना हितग्राहियों को इसमें लाभ? राष्ट्रीय लोक अदालत जो राज्य शासन ने और सब जगह पूरे देश में व्याप्त है, इसका उद्देश्य ये है कि अधिकांश छोटे छोटे मामले जो हैं जिनका कि आपस में आपसी सुलह से निपटारा हो सकता है, छोटे छोटे मामलों का और ऐसे मामलों का, बड़े बड़े मामलों का, भाई जमीन जायदाद के मामलों का, बड़े बड़े मामलों का, छोटे छोटे मामलों का ऐसा निपटारा हो जाए कि भाईचारा आपसी सामंजस्य से विवाद समाप्त हो जाए। इसका उद्देश्य ये रहा सदैव से कि छोटे छोटे मामले अधिकतर ऐसे हैं जिनको कि आपसी समझाइश से निपटारा किया जा सकता है, और बड़े मामले भी हैं, बहुत से संपत्ति के विवाद हैं जिन संपत्तियों का विवाद आपस में तय किया जा सकता है। जो इसमें लोक अदालत में जो निपटारे होते हैं इनके अपील का कोई प्रावधान नहीं, लोक अदालत में जो फैसले होते हैं जो निपटारा होता है उसके अंतर्गत लोगों के बीच के सामंजस्य स्थापित हो जाते हैं, आपस में भाईचारा होता है, और ऐसे मुकदमे हैं जिनका कि वास्तव में निपटारा आपसी तौर पर होना चाहिए। कुछ ऐसे मामले हैं जिनका निपटारा नहीं हो सकता और पार्टीज के बीच के राइट को तय करते हैं, पर लोक अदालत के माध्यम से ऐसे अधिकांश मामले हैं जैसे चेक अनादरण के मामले हैं, चेक अनादरण के अलावा जैसे चेक के मामले हैं, चेक मामले के अलावा बिजली विभाग वाले मामले हैं, लेकिन लोक अदालत को सार्थक रूप से निपटारा करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल ये होनी चाहिए कि लोगों को मोटिवेट किया जाए और ये समझाया जाए कि इसको आपस में इस रूप में निपटारा कर लिया जाए कि लिटिगेशंस ना बढ़ें। छोटे छोटे मामलों से इतने अधिक लिटिगेशंस बढ़े हैं, समाज के बीच में कुरीतियाँ व्याप्त हैं, और समझौता के माध्यम से तो कुरीतियों को समाप्त करने की व्यवस्था है। उसका पवित्र उद्देश्य ये है कि अनावश्यक विवाद पक्षकारों के मध्य न हों और जो भी अनावश्यक विवाद हैं उनका निपटारा हो जाए। ये लोक अदालत की जो मंशा है ये बड़ी पवित्र मंशा है, इसका सुचारू रूप से प्रचार प्रसार होना चाहिए और उसका निपटारा होना चाहिए। सामान्य रूप से निपटारा जिस प्रकार से होना चाहिए सार्थक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और ढंग का निपटारा नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद द्विवेदी जी। क्या सिखाते ये लोक आयोग का आयोजन होता है? ये माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देश अनुसार इसका आयोजन आज रीवा तहसील न्यायालय सिरमौर तहसील न्यायालय हनुमाना तहसील न्यायालय अपना जितने भी तहसील न्यायालय हैं अपने यहाँ उनका सबका एक साथ आयोजन किया गया है। ज़्यादातर केसेस का है ज़्यादा प्रकरण इसमें अपने पास विद्युत अधिनियम के ज़्यादा प्रकरण हैं और जो ये बैंक से रिलेटेड होते हैं क्लेम केसेस वो ज़्यादा हैं इसमें। सर क्राइम सीन क्रिमिनल अपराध वो जिसमें राजीनामा योग मामले हैं वो मामले रखे गए हैं जिसमें राजीनामा हो सकता है, छोटे अपराध होते हैं जो उनमें, और सिविल प्रकरण जो होते हैं जिनमें आपसी डिस्प्यूट रहता है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो बैंक के जो चेक बाउंस के होते हैं बैंक से रिलेटेड मामले वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। जी कितने मामले हैं पास? अभी जैसे जो हम लोग रखे हैं मामले वो 3500 लंबित मामले रखे हुए हैं और 3916 जो है प्री लिटिगेशन मामले रखे गए हैं। पहले की अपेक्षा पिछले बार जब लोग आयात हुई थी 13 अगस्त में तो हमारे 1289 मामले निवारकित हुए थे, इस बार लगभग अभी 600-700 के आंकड़े आ चुके हैं और हमें पूरी आशा है कि इस बार भी जो है पिछले बार से अत्यधिक मामले निवारकित होंगे। सर